हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव धीरेन्द्र खड़गटा ने लघु सचिवालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिला पलवल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व जिला प्रशासन द्वारा गठित फ्लाइंग टीमों ने 43 UMC बनाए तथा दो केंद्र अधीक्षकों को अव्यवस्था पाए जाने पर हटाया गया। इसके साथ ही हतीन खंड के एक प्राइवेट स्कूल का परीक्षा केंद्र रद्द करने की अनुशंसा की गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा जिला पलवल व नूह को संवेदनशील मानते हुए यहाँ पर नकल रहित परीक्षा करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी स्वयं की मेहनत के बल पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल का व्यापक प्रबंध हुआ है जिस कारण परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे परीक्षाओं में कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें तथा स्वयं की मेहनत के बल पर परीक्षा में बैठे तथा अच्छे अंक प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर सूचना देने पर तुरंत निरीक्षण के लिए टीम भेजी जाती है। देखिए चेयरमैन साहब, इस बार जो हमारी क्या नाम बोलते हैं वार्षिक परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं उसके अंदर जैसा कि हमारा अनुभव रहा है कि नूह और पलवल जिला काफ़ी सेंसिटिव रहा है और इसी के अंतर्गत चेयरमैन साहब ने नूह और मैंने पलवल जिला चुना था और हमारा उसमें भी यही था कि हमने नूह के फिरोजपुर जिला ब्लॉक और हातिम ब्लॉक को चूज़ किया ताकि हम उसको टारगेट कर सकें और इसमें जो कि नकल की अधिकता रही है इसके अंतर्गत इसलिए हमने इनपुट लिया और लेकिन जो हमारा अनुभव रहा वो इसके विपरीत था। बाहर जैसे कि प्रशासन के द्वारा इसमें कई अच्छे इंतजाम किए गए थे और ख़ासकर जो कल की माननीय CS साहब की जो VC हुई इसके कारण से देखने को लगा कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए थे जिससे कि बाहरी असामाजिक तत्व जो कि विघ्नता डालते हैं किसी भी परीक्षा को करने के लिए उस पर कहीं हद तक लगाम लगी। इसके साथ साथ वहाँ जितनी भी फ्लाइंग थी सेक्रेटरी फ्लाइंग DC फ्लाइंग DO फ्लाइंग BO फ्लाइंग इन सब ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर दौरा किया। हातिम जिले के हातिम ब्लॉक के अंदर हमने 3 सेंटर थे वहाँ पर तीनों में विजिट किया जिसमें कि 2 सरकारी सेंटर थे एक प्राइवेट सेंटर था वहाँ विजिट किया। इसी के साथ साथ हमने पलवल के अंदर 3 सेंटर विजिट किए तीनों सरकारी सेंटर थे वहाँ पर विजिट किए। फेयर मीन्स के केस सुनाए हैं, एक इंपर्सनेशन का केस सुनाया है कि प्रतिरूपण का केस और 2 केंद्र अधीक्षकों को रिलीव किया है एक हातिम के अंदर एक पलवल के अंदर। इसके अंतर्गत